सबसे पहले लुक्स देखो यार, बाइक की लुक्स देख के मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या लुक है यार बाइक की, देखने में एक नंबर बाइक लग रही है। सिंगल सीट है, सिंगल सीट ही अवेलेबल है, सिंगल सीट पे ही अलाउ है बाइक। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जावा पैरक, जावा 42 के बाद जावा पैरक आज चलाने को मिली है, मतलब चलाने का मौका मिला है। तो आज बताऊँगा इस बाइक के बारे में आपको। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जावा पैराग जो है ना, जावा पराग बोल लो, जावा पैराग बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, जो दिल करे वो बोल लो। तो भाई जावा पैराग जो है वो जावा 42 और जावा क्लासिक जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। पावर थोड़ी ज़्यादा है उसके मुकाबले और सीसी भी थोड़ी ज़्यादा है। 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOSC लिक्विड कूल इंजन है 6 गियर के साथ, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 30 bhp है। जो दूसरे वाली जावा आती है 42 और क्लासिक, उसमें 27 bhp के आसपास पावर होती है, बट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 3-4 bhp ज़्यादा है। अब 3-4 bhp ज़्यादा है तो इसको चलाने के बाद ही पता लगेगा कि वो फील कैसी है 3-4 bhp की। टॉर्क भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 32 Nm के आसपास इसका टॉर्क है, और पेट्रोल टैंक जो है इसका 14 लीटर का है। 14 लीटर इनफ है यार, बहुत है 14 लीटर। सस्पेंशन इसके वही है अपना रिट्रो टाइप, पीछे मोनो है, आगे वो ये नॉर्मल जो होते हैं। बट इसकी लुक्स जो है भाई वो ऐसे लग रही है कि भाई 70 के दशक की बाइक है। इस बाइक की एक खासियत है, ये सिंगल सीट पे ही रजिस्टर्ड होती है, मतलब अगर इसमें दो सीट लगाना चाहो या पिलियन को बैठाना चाहो उसको नहीं बैठा सकते आप, वो अलाव ही नहीं है, कंपनी ने अलाउ नहीं करा। रेडिएटर का फ़ैन भी काफ़ी बड़ा दे रखा है, रेडिएटर सेम 42 वाला है और क्लासिक वाला है। आगे वाला टायर 19 इंच का दिया हुआ है और पीछे वाला टायर 17 इंच का दिया हुआ है। जावा तो कंपनी बंद हो गई। नहीं अंकल, दोबारा आ गई है, ये आपके टाइम की कंपनी है। मैंने जवानी में जब हम थे, हाँ, तो मेरा दोस्त था उसका जावा थी। हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग दोनों इकट्ठे घूमने जाया करते, हम इलाहाबाद के रहने वाले। ओके ओके, ठीक है। वहाँ सिविल लाइन घूमने जाया करते, तब मुझे याद आ गया जावा देखी पे गया यार, ये दोबारा लॉन्च हो गई है, मॉडल भी अच्छा निकला। हाँ, उस टाइम रॉयल एनफील्ड और यस्सी और जावा ही चलती थी। हाँ जी, देख रहे हो भाइयों कितनी अटेंशन मिल रही है इस बाइक को चलाने के बाद भी। भाई बहुत लोग देखते हैं इसको कि यार जावा जावा ये कैसी बाइक है, देखने में मतलब ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ही लेजेंडरी बाइक है यार, मतलब फील ही अलग है चलाने में भी। अच्छा, 175 kg के आसपास इसका वेट है, बट आपको लगेगा नहीं, फील नहीं होगा कि आप 175 kg की बाइक चला रहे हो। एक चीज़ और है, स्विंग आर्म देख रहे हो उसका, बिल्कुल छोटा सा स्विंग आर्म दिया हुआ है, ये देखो, बस यहाँ पर आगे स्विंग आर्म ख़त्म हो जाता है। और ये मतलब डिज़ाइन और शेप बिल्कुल वही रखी है जो पहले जावा आती थी, सेम वही लुक्स रखी है इसकी। लुक्स में कोई चेंजेस ही नहीं करा कंपनी ने, बस नॉर्म्स चेंज होते गए हैं। उस टाइम पे तो पता नहीं BS1 चलती होगी या BS12 स्टेज आया भी नहीं होगा, अभी BS6, और उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंसोल देख लो आप इसका, इसके अंदर कोई बटन वटन नहीं होता, मतलब मैनुअल है बिल्कुल। मतलब कंपनी वालों ने जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है कि भाई जो रॉ मशीन है वैसी हम दें इसको। ऑडोमीटर है इसके अंदर, फ्यूल इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, अभी ABS ऐड कर दिया है। अब आपको सुनाता हूँ इसकी एग्जॉस्ट साउंड। ये बाइक कर दिया मैंने न्यूट्रल, स्टॉक एग्जॉस्ट ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही आता है, इसमें एक छोटा सा पाइप। फील देख रहे हो इंजन की, गजब की फील है। ये आइडियल मोड पर है। कुल मिला के बाइक मुझे पसंद आ गई। सच बताऊं तो बाइक जो है मुझे क्लासिक और 42 से ज़्यादा पसंद आई है। कंफर्ट का तो क्या ही कहूँ यार, सीट देख रहे हो इसकी, सीट ने तो समा मान दिया, सच बता रहा हूँ, बहुत सही सीट है इसकी। इंडिकेटर भी नॉर्मल कंपनी ने बल्ब वाले दिए हैं, एक छोटा सा बीच में हॉर्न लगा दिया। सामने गार्ड मिल जाएगा, स्टॉक गार्ड है ये, कलर जेड ब्लैक या मैट ब्लैक कुछ भी बोल सकते हो कलर, और एक ही कलर आता है इस बाइक के अंदर, मतलब ये ब्लैक ही कलर बना है अभी तक इस मॉडल पर, इसके अलावा दूसरा कोई कलर कंपनी ने लॉन्च नहीं करा। बाइक टेस्ट राइड करके देखते हैं चलाने में कैसी है, स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बताई दिए,
लुक्स देखो यार, एक नंबर लग रही है लुक्स बाइक की। टायर इसके अंदर सीएट के हैं, सीएट के टायर देखते हैं इसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। पहली बार पैराग चला रहा हूँ यार। 42 और क्लासिक से तो काफी बेटर फील आ रहा है इसके अंदर। आएगा भी यार वो 27 bhp के आसपास है, ये 30 bhp है। और 32 nm का टॉर्क यार, टॉर्क की सुन के तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार, मतलब फील भी हो रहा है यार 32 nm चला रहा हूँ मैं। रॉयल एनफील्ड वालों को भी कुछ करना चाहिए इस बारे में, सोचना चाहिए। रॉयल एनफील्ड वालों सोच लो कुछ भाई, ये है फील। ओए गजब की फील है। कोई भी क्रूजर बाइक बनाने वाली जो कंपनी है भाई, कम से कम उनको ना 30 या 35 bhp तो एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि यार कब तक आदमी 25 और 27 मतलब 25-27 bhp चलाता रहेगा। एटलीस्ट 30 bhp तो होना चाहिए। लोगों की अच्छी खासी अटेंशन मिल रही है, बंदे देख रहे हैं कि यार ये कौन सी बाइक है भाई। बाइक के अंदर वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और 32 nm टॉर्क तो ऐसा फील हो रहा है कि बस मैं ही मीटर खींच के ले जाता हूँ आगे तक। हल्का सा हैंडल वोबल कर रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलता है क्रूज़र के अंदर। इंजन में वाइब्रेशन तो नाम को भी नहीं है। अभी गिरता है भाई साहब, गिरते गिरते बचाया, बाल बाल बचाया, इस तरीके से इसने ब्रेक लिया बेवकूफ इंसान ने। हाँ तो मैं कह रहा था, इस बाइक को जब मैं देखने के लिए आया ना, इसकी लुक्स देख के पहले तो मैं बहुत भाई इंस्पायर्ड हुआ, लुक्स मुझे बड़ी सही लगी इसकी देखने में। फिर मैंने सोचा यार इंजन थोड़ा अपग्रेडेड होना चाहिए, मतलब जावा 42 या जावा क्लासिक से थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। बाकी इंजन की रिफाइनमेंट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर की। राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है, मतलब इतना कम्फर्ट है कि यार इस पर तो बैठ के बंदा आराम से 500-600 किलोमीटर की राइड मार देगा। और जितनी इस इंजन के अंदर पावर है उस हिसाब से लॉन्ग राइड करने में भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। मेरा मानना यह है कि इस बाइक को अगर लॉन्ग राइड पे ले जाया जाए तो फुल फील आएगी इस बाइक में। बॉडी बैलेंस तो मैं सिटी में टेस्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा जिगजैग कर सकता हूँ। यहाँ ब्रेक टेस्ट हो जाएंगे। ओहो इफेक्टिव है भाई, बहुत सही इफेक्टिव ब्रेक है, ब्रेक्स भी बढ़िया भाई। सीएट के टायर देख के लग नहीं रहा कि सीएट के टायर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी इसके जो ब्रेक हैं, बाइब्रे के ब्रेक हैं, बाइब्रेम्बो का सेकेंडरी प्रोडक्ट है, आजकल सभी बाइकों में यही आ रहे हैं। सीट काफ़ी कंफर्ट है, सॉफ्ट है कंपेरेटिवली जावा 42 और क्लासिक, उनकी तो काफ़ी हार्ड थी। बट BS6 मॉडल जो आया है जावा 42 का, उसके अंदर भाई अपना काफ़ी सॉफ्ट सीट कर दी है। 175 kg का वेट है इस बाइक का, बट चलाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप 175 kg की बाइक चला रहे हो। बैलेंस भी मतलब बाइक देख रहे हो, ओहो ये चीज़ बढ़िया है यार। ब्रेक देख रहे हो, ब्रेक फुल इफेक्टिव ब्रेक है, मज़ा आ गया ब्रेक में तो भाई साहब। भाई लोगों की ना काफ़ी डिमांड आ रही थी, सब कह रहे थे यार जावा पैराग पे एक वीडियो बना लो, कई कमेंट्स आ गए थे। मैंने सोचा चलो यार जावा पैराग पे एक वीडियो बना ली जाए, भाई से कांटेक्ट किया, अपने पवार भाई हैं, इनका भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल राइडर पवार के नाम से, इनको कांटेक्ट किया कि भाई पैराग चलानी है। इन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे दोस्त हैं, अभी चलते हैं, अभी चलवा देते हैं पैराग। सस्पेंशन की अगर बात करूँ भाई, सस्पेंशन मुझे सॉफ्ट ही लग रहे हैं इसके, सस्पेंशन भी भाई सॉफ्ट ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए जो राइड क्वालिटी है वो बहुत बेटर आ रही है। सस्पेंशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई राइड पर। सस्पेंशन अगर हार्ड होगा बाइक का तो जो रोड पर गड्ढे हैं, पोत होले हैं, वो छोटे से छोटा गड्ढा भी पता लगेगा। सस्पेंशन अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो बाइक झूला बन जाएगी, झूला समझते हो ना, लक्ष्मण झूला राम झूला जैसे बोलता है ऐसे बन जाएगी। बट अगर सस्पेंशन मीडियम होगा तो भाई उसमें ना चलाने में मज़ा आता है और बम्प भी पूरे मिलते हैं। ये देखो गड्ढे में गई बाइक, उतारी नीचे, मतलब फील ही नहीं हो रहा यार, फील ही नहीं हो रहा, गड्ढे गुड्ढे फील ही नहीं हो रहे बाइक के अंदर, इतना मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में। किसी भी भाई को जावा पैराग 42 या क्लासिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और शोरूम का एड्रेस भी है, जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है भाई को। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है दिल्ली के अंदर ऑन रोड वो है 2,25,000, 2,25,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है। उसके बाद अगर आप सर्विस वगैरह करवाने जाते हो तो फर्स्ट सर्विस जो होती है वही अपना
2000-2500 के बीच होती है, और सेकंड सर्विस जो होती है 2200-3000 के बीच में होती है। अगर मैं स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट की बात करूं तो दोनों बाइकों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट है दोनों के पार्ट्स की। कुल मिला के ये है कि इसका जो खर्चा आता है चलाने का सेम उतना ही इस बाइक का खर्चा आता है। माइलेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि भाई इंजन थोड़ा बड़ा है, हैवी इंजन है, तो जावा 42 के मुकाबले या क्लासिक के मुकाबले इसका इंजन माइलेज कम देता होगा। अब माइलेज देख लो या पावर देख लो, भाई पावर फिगर में उससे ज़्यादा है, चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी माइलेज तो थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा ही। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बताना कि भाई बाइक आपको कैसी लगी। ऑन डिमांड वीडियो बनाइए, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी वीडियो की, बहुत सारे दोस्तों ने मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने कमेंट कर दिया था कि भाई पैराग पे एक वीडियो बनाओ कैसी बाइक है, तो भाई बनानी बनती है, जब इतनी डिमांड आ रही तो बनानी बनती है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।